रायबरेली से खबर आ रही है सामने, जहां दर्जनों की संख्या में मोहल्ले वासियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आचार्य द्विवेदी नगर का है पूरा मामला, जहां दर्जनों की संख्या में मोहल्ले वासियों ने कस्बे के ही कुछ लोगों पर लगाया आरोप। नाली पानी व रास्ता अवरुद्ध करने का भी लगाया आरोप। वहीं यह भी बताया है मोहल्ले वासियों ने दीवाल बनाकर रास्ता बंद करने का मोहल्ले वासियों ने वहीं के लोगों पर लगाया आरोप। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को दिया ज्ञापन। तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से दर्जनों की संख्या में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं आइए जानते हैं मोहल्ले वासियों ने क्या कहा, आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या मामला है? नाली का मामला है, रोड उस पर निकली हुई थी, रोड को उन्होंने निर्माण कर लिया है। हम लोग रोकते हैं तो कहता हूँ मैं बहुत माफिया हूँ और रोकने से रुकता नहीं, ऐसा जिसको बुलाना हो बुलाइए, मैं खुद भी कर सकता हूँ। कौन कह रहा है? वही जो निर्माण कर रहा है। आज कहाँ पे हैं आप लोग? हम लोग पीएम कार्यालय आए हैं। मुलाकात हुई? ज्ञापन देने। मुलाकात हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। नाली काफ़ी लंबी चौड़ी होगी वहाँ की? नाली बहुत दूर तक की है, 50 आदमी का घर है, करीब 50-60 आदमी इसमें आएंगे। डीएम ऑफिस आए हैं। समस्या हमारी है कि दो अज्ञात मतलब दो लोग हैं, वो कब्जा कर रहे हैं, नाली और रोड अवरोध कर दिया है। कहाँ पे हैं? उसी के लिए ज्ञापन देने आए हैं। मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं हुई, हम उसी के इंतजार कर रहे हैं। ये कितने लोग का है वहाँ पे मकान होगा जिनको? 50 आदमी के आसपास है। जिन्होंने किया है क्या करते हैं, क्या है ये? वो बता रहा हम भू माफिया हैं। वो कहते हैं हम भू माफिया, जिसको जो करना है कर लो, हम किसी को डरते नहीं। कौन कह रहा है ये जो निर्माण करा रहे हैं? क्या नाम है इनका? उनका वो नाम अपना नहीं वो जाकर कर रहे हैं, कभी सोनू पता चलता है, कभी कोई पुलिस वाला खड़ा होता है, पता नहीं चल रहा है वहाँ कौन। एक पुलिस वाला आता है, खड़ा होता है, कहता कि जमीन कौन जमीन है, क्या जमीन है, क्या है? सरकारी जमीन है, रोड सड़क रोड है वहाँ पे, पहले से पास है। अब उसका हम चाहते हैं कि उसकी पैमाइश हो जाए और वहाँ पे रोड और नाली निकल जाए। क्या नाम है आपका भैया? हमारा विष्णु तिवारी नाम है। आपका? ये कहाँ रहते हैं? शिव प्रसाद। हम आचार्य द्विवेदी नगर में रहते हैं। शिव प्रसाद